दोस्तों मिड-साइज एसयूवी सेगमेंट के अंदर एक नई एसयूवी कार की एंट्री होने जा रही है। जहां मारुति टोयोटा अपनी कदमों को रोक नहीं पा रही है, तो टाटा मोटर्स अपने कदमों को आगे बढ़ाते हुए नजर आ रही है। इसीलिए अपनी एक दमदार लुक के साथ एक नई मिड-साइज एसयूवी कार को लॉन्च करने की प्लानिंग में है, जिसका सीधा वार हुंडई क्रेटा, मारुति सुजुकी की ग्रैंड विटारा, टोयोटा की हाईराइडर, स्कोडा कोसाक, किया की सेल्टोस जैसे कई सारे बेहतरीन कारों को कड़ी टक्कर देते हुए नजर आएगी। लेकिन दोस्तों इस कार के अंदर आपको फीचर्स में क्या क्या देखने को मिलेगा, इंजन इस कार का कैसा रहने वाला है और क्या सच में ये एसयूवी कार सेगमेंट के अंदर ये अपकमिंग कार आपको सबसे ज्यादा माइलेज निकाल कर देगी, सबसे बड़ी बात ये निकल कर आती है फीचर्स में इस गाड़ी को कैसा रखा जाएगा, क्या इस गाड़ी के अंदर भी एडास जैसे बेहतरीन फीचर्स देखने को मिलेंगे, सारा डिटेल में आज बात करते हैं। और टाटा ब्लैकबर्ड सच में एक बेहतरीन मिड साइज एसयूवी कार इंडियन मार्केट में साबित हो सकती है, चलिए डिटेल में बात करते हैं। लेकिन वीडियो में आगे जाने से पहले वेलकम टू आवर चैनल स्मार्ट कार रिव्यू। दोस्तों क्या हाल चाल है आपके और आप इस ऑटोबिल चैनल को दुनिया के कौन से कोने से देख रहे हो, ये कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताना ताकि नेक्स्ट वीडियो में आपको थैंक्स कह सकूं। पिछला थैंक्स जाता है बिहार से महेश जी को। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं टाटा की ये अपकमिंग मिड साइज एसयूवी कार नेक्सॉन और हैरियर के बीच में रखा जाएगा। इस अपकमिंग कार को अभी फिलहाल टाटा ब्लैकबर्ड के नाम से इंडियन मार्केट में जाना जा रहा है, लेकिन लॉन्च के टाइम इस कार के नाम में कुछ चेंजेस किया जा सकता है। लाइक डेट टाटा ग्रेविटा को टाटा सफारी के नाम से लॉन्च किया गया था। जिस भी टाटा लवर से कस्टमर को नहीं पता है, मैं उन्हें बता दूं, टाटा सफारी को पहले टाटा ग्रेविटा के नाम से इंडियन मार्केट में दिखाया गया था, ऑटो एक्सपो में दिखाया गया था, लेकिन टाटा मोटर्स ने बाद में टाटा सफारी के नाम से टाटा ग्रेविटा को इंडियन मार्केट में लॉन्च किया। ठीक उसी तरीके से इस कार की भी एंट्री इंडियन मार्केट में टाटा मोटर्स करने वाली है, जो कि बिल्कुल धासु लुक में नजर आने वाली है। और आने वाले कुछ ही महीनों में आपको ये कार इंडियन सड़कों पर टेस्टिंग के दौरान या फिर बिल्कुल नए लुक के साथ ये कार इंडियन सड़कों पर दौड़ती हुई नजर आने वाली है। तो इन टाटा कंपनी के पास आज के टाइम में पूरे दो प्लेटफॉर्म है, पहला है ओमेगा और दूसरा है अल्फा। ओमेगा पे तैयार किया जाता है टाटा हैरियर और टाटा सफारी को तैयार किया जाता है, और वहीं दूसरा है अल्फा जिस पर तैयार किया जाता है टाटा ऑल्ट्रोज को। लेकिन वहीं टाटा ब्लैकबर्ड एसयूवी को एसयूवी सेगमेंट में यूनिक बनाने के लिए टाटा कंपनी अपनी ब्लैकबर्ड कार को किसी और प्लेटफॉर्म पे तैयार करेगी, यानी टाटा मोटर्स ने एक चेरी चाइनीज कंपनी के साथ अपना हाथ मिला लिया है, जिसमें दोनों कंपनियां मिलकर एक पावरफुल प्लेटफॉर्म को तैयार करेगी और उस पर प्लेटफॉर्म पर अपकमिंग ब्यूटीफुल एसयूवी ब्लैकबर्ड को तैयार किया जाएगा। तो ये आने वाला समय ही बताएगा कि ये प्लेटफॉर्म कैसा रहने वाला है और ये अपकमिंग ब्लैकबर्ड एसयूवी में नए प्लेटफॉर्म के साथ कुछ ऐसे फीचर्स देखने को मिलेंगे जो फर्स्ट इन सेगमेंट होंगे, और कुछ ऐसे 3D एलिमेंट्स देखने को मिलेंगे जो कार के डिजाइन में चार चांद लगाने का काम करेगी। तो वहीं सबसे पहले हम बात कर ले ये अपकमिंग टाटा ब्लैकबर्ड एसयूवी के लुक्स और डिजाइन की, तो लुक्स में ये कार बिल्कुल ही शानदार और फ्रेश होगा और डिजाइन में ये कार काफी मस्कुलर टच में होगा। तो वहीं सामने से ही बिल्कुल नए डिजाइन की फ्रंट ग्रिल नजर आएगी, जिसके साथ आपको टाटा का एक फ्यूचरिस्टिक लोगो नजर आएगा, साथ ही न्यू डिजाइन प्रोजेक्टर हेडलैम्प के साथ नया DRS भी देखने को मिलेगा जो कार की खूबसूरती में चार चांद लगाने का काम करेगी। नीचे की तरफ आपको एक नया बम्पर के साथ फॉग लैंप की नई हाउसिंग देखने को मिलेगी। इस एसयूवी के साइड प्रोफाइल को भी काफी स्पोर्टी डिजाइन में रखा गया है। तो वहीं रेयर प्रोफाइल पे नई LED टेल लाइट, स्पॉयलर्स पे ब्रेक लाइट, नॉर्मल एंटीना, लार्ज पैरोमिक सनरूफ, ORVM टर्न इंडिकेटर, और बताया जा रहा है कि इस एसयूवी कार में आपको डुअल टोन और मोनटोन कलर की ऑप्शन भी देखने को मिल जाएगी, और वहीं टायर के साथ 17 इंच के करीब डायमंड कट अलॉय व्हील्स जैसे बेहतरीन फीचर्स भी शामिल रहने वाले हैं। ओवरऑल हम बोल सकते हैं कि अपकमिंग टाटा ब्लैकबर्ड एसयूवी मार्केट में आते ही काफी लंबी वेटिंग रहने वाली है। दोस्तों वहीं थोड़ा ध्यान दे अपकमिंग टाटा ब्लैकबर्ड एसयूवी के इंटीरियर और फीचर्स की, तो इस एसयूवी को खूब सारे प्रीमियम फीचर्स के साथ डेकोर किया गया है। तो इंटीरियर के सामने से ही आपको मिल जाता है 10 इंच के करीब इनपुट टच स्क्रीन डिस्प्ले, जो कि एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले जैसे कनेक्टिविटी फीचर्स को सपोर्ट करेगी। पूरा इंटीरियर ब्लैक थीम बेस्ड होगा, जिसमें आपको प्रीमियम सॉफ्टवेयर डैशबोर्ड के साथ एक नया स्टीयरिंग व्हील नजर आएगा, जिसमें आपको स्टीयरिंग के साथ पूरा मीडिया कंट्रोल भी नजर आएगा सिर्फ टॉप ऑफ लाइन वेरियंट में। इसके अलावा पुश टच स्टॉप बटन, सेमी डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, एम्बिएंट क्लाइमेट मोड, हाइट स्टेबल ड्राइवर सीट, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, वायरलेस मोबाइल फोन चार्जिंग, हीटेड एंड वेंटिलेटेड सीट की ऑप्शन। इस कार में आपको इंडियन कस्टमर फेवरेट फीचर्स लार्ज पैरोमिक सनरूफ की ऑप्शन भी शामिल रहने वाला है।
दोस्तों इस एसयूवी को खूब सारे कंफर्ट फीचर्स के साथ लॉन्च किया जाएगा। तो जैसे ब्यूटीफुल फीचर्स इसके इंटीरियर लुक्स में नजर आएंगे। दोस्तों यहीं अगर बात करें अपकमिंग टाटा ब्लैकबर्ड की इंजन और पावर की, तो इस कार में 1.5 लीटर का टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन दिया जाएगा जो कि 140 bhp के करीब पावर जनरेट करता है। साथ ही इस इंजन के साथ आपको 1.5 लीटर का 4 सिलेंडर पेट्रोल इंजन भी दिया जाएगा जो कि 120 PS के करीब पावर जनरेट करता है। दोस्तों दो पेट्रोल इंजन के साथ इस कार में आपको 1.5 लीटर का एक टर्बोचार्ज डीजल इंजन भी नजर आएगा और ये इंजन भी आपको 120 PS के करीब पावर जनरेट करता है। और ये इंजन आपको 6 स्पीड मैनुअल के साथ साथ ऑटोमेटिक गियर बॉक्स के ऑप्शन में आएगी और इस कार को टाटा मोटर्स रियर व्हील ड्राइव की ऑप्शन में लॉन्च करेगी और इस कार को मल्टी ड्राइविंग मोड के साथ साथ मल्टी ट्रैक्शन मोड की ऑप्शन में भी लॉन्च किया जाएगा। दोस्तों यहाँ बात आती है इस एसयूवी कार के लाइफ एज इंपॉर्टेंट फीचर्स यानी कि सेफ्टी की। तो आपको बता दें कि टाटा की कारें सेफ्टी में ऑलरेडी परफेक्ट एंड पावरफुल होती है। तो वहीं अपकमिंग टाटा ब्लैकबर्ड एसयूवी कार के बॉडी में आपको हाई स्टेनलेस स्टील बॉडी, ऑल एयरबैग्स, रिवर्स पार्किंग कैमरा, ऑल टायर विथ डिस्प्ले, हिल लॉन्च असिस्टेंट, डाउन हिल कंट्रोल, ABS के साथ EVD, इलेक्ट्रॉनिक असिबिलिटी प्रोग्राम, एक्टिव इमरजेंसी ब्रेक, ड्राइविंग अटेंशन वार्निंग सिस्टम, सीट बेल्ट रिमाइंडर विद पेटेसनर, क्रूज कंट्रोल जैसे बेहतरीन और पावरफुल फीचर्स इस एसयूवी कार के सेफ्टी फीचर्स में देखने को मिलने वाले हैं। दोस्तों फाइनली अब बात आती है इस एसयूवी कार की लॉन्च और प्राइस की। तो इस कार को इंडियन मार्केट के अंदर 2022 के लास्ट या फिर 2023 के फर्स्ट क्वार्टर तक लॉन्च किया जा सकता है और इस कार की प्राइस मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक 11.54 लाख से स्टार्टिंग होकर 16 लाख तक हो जाएगी। तो दोस्तों अपकमिंग टाटा मिड साइज एसयूवी यानी कि ब्लैकबर्ड एसयूवी कार आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और अगर इस कार को टाटा मोटर्स इंडियन मार्केट में लॉन्च करती है तो क्या आप इस एसयूवी कार को खरीदना पसंद करेंगे हमें कमेंट बॉक्स में ये भी जरूर बताना। आप भी एक मिड साइज एसयूवी की प्लानिंग कर रहे हैं ये भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। इसी के साथ अगर आप हमारे चैनल स्मार्ट कार रिव्यू पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा लेना ताकि मैं आपके लिए ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो और अपकमिंग कारों की वीडियो लाता रहता हूं। और आपको नेक्स्ट कौन सी कार की रिव्यू चाहिए हमें कमेंट बॉक्स में ये भी जरूर बताना। बाकी आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक भी जरूर करना। अपना कीमती समय देने के लिए थैंक यू सो मच, धन्यवाद। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखना।